ऑल राइट दोस्तों, आ गए हैं हम आपके लिए लेकर ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस एंड ओप्पो रेनो 10 प्रो। जी हाँ, और एक बात बताओ, लुक एट दिस प्लेस, नीम राना नाम की जगह राजस्थान में, उधर हम कर रहे हैं। क्यों पता है? ओप्पो रेनो सीरीज जनरली जो होती है, लुक्स एंड कैमरा इसके लिए जानी जाती है, एंड दीज आर नो डिफरेंट। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि ओप्पो इस टाइम दे हैव गॉन ऑल आउट विद देयर रेनो सीरीज। याद रखिए दोस्तों, जनरली रेनो सीरीज में प्रो प्लस वेरिएंट नहीं आता है, नॉर्मल वेरिएंट एंड प्रो वेरिएंट, बट दिस टाइम उन्होंने नॉर्मल वेरिएंट, प्रो एंड प्रो प्लस वेरिएंट भी लॉन्च किया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, लेट्स डू दिस। वैसे नॉर्मल जो रेनो 10 है उसका भी अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें मैं आपको प्रो प्लस एंड प्रो के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाइट बॉक्स, सिल्वर के अंदर 10 लिखा हुआ है। यू हैव सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड देन As usual, light है, अभी तक कवर नहीं मैंने खोला हुआ है, बट लेट्स वेट। 100 वॉट सुपर वूक चार्जर आता है। फाइनली यूएसबी टाइप सी टू टाइप ए, टाइप ए टू टाइप सी केबल, चार्जिंग केबल। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड, ये रखते हैं साइड में। वैसे अगर मैं प्रो के बारे में बात करूं दोस्तों, तो उसके बॉक्स में भी यही सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेट्स अनकवर। बहुत ही अलग डिजाइन लग रहा है दोस्तों, थैंक्स टू दैट कैमरा मॉड्यूल। लुक एट दैट, Obviously, ग्लास बैक है, शाइनी। ये ग्रे कलर है दोस्तों, पर्पल कलर भी आता है इसके अंदर। वैसे आपको दिखा ही दूं, क्योंकि प्रो जो है इसमें पर्पल कलर है हमारे पास, सो इवन दैट लुक्स ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग, लुक एट दैट। वैसे इंटरेस्टिंगली दोस्तों, जो प्रो वेरियंट है उसके अंदर ग्लॉसी बैक आती है, एंड दिस वन हैज गॉट काइंड ऑफ मैट, बट दोनों ही ग्लास बैक। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन, जी हाँ, कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ, बट डिजाइन के मामले में मैं कहूंगा दिस रियली स्टैंड्स आउट। अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है, देन पावर बटन विद दैट यू नो लिटिल ग्रीन टिंच, लुक्स वेरी गुड। वैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें, क्रैच गार्ड जो है वो लगा हुआ है, सो लेट्स ओपन। ओह लवली दैट साउंड ऑलवेज। डिस्प्ले जो है दोस्तों कर्व्ड डिस्प्ले है, एंड दिस फोन इज रियली रियली थिन। अभी मैं बाहर हूँ, वेइंग मशीन हमने लाया हुआ नहीं है, बट अगर मुझे गेस करना है दोस्तों, दिस शुड नॉट बी मोर देन 190-192 ग्राम्स। और सिर्फ प्रो प्लस में ही नहीं दोस्तों, प्रो में भी आपको 3D कर्व्ड ग्लास मिलता है, इसका भी स्क्रैच गार्ड निकालते, दैट साउंड इज वेरी सैटिस्फाइंग। वैसे बैकग्राउंड में पीकॉक्स की आवाज आ रही है क्या आपको? जी हाँ, बहुत सारे पीकॉक्स हैं इधर नीमराना में। ऑलराइट दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट द फोन। बाहर से तो देख लिया, आप अंदर से देखते हैं, इतनी ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों, लेट्स गो टू अ डिफरेंट प्लेस। ऑलराइट दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिस्प्ले के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस। अब दोस्तों हमें प्राइस पता नहीं है, बट लीक्स के हिसाब से ये जो है प्रो प्लस दैट इज गोइंग टू कम अराउंड 50,000 रुपीज, ये जो है प्रो वो 40,000 के करीब आने वाला है, सो दैट इज द प्राइस दैट वी आर होपिंग टू सी। उतना ही नहीं, अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, तो इसमें दोस्तों आता है 8+ Gen 1, जी हाँ, that is a 4nm based processor, और इसमें आपको मिलता है 778G, जो tried and tested है। दोनों में ही एक ही variant आता है, no two variants, 12GB RAM and 256GB storage, जी हाँ, UFS 3.1 storage type आती है, and LPDDR5 RAM type आती है। याद रखिए 778 जो है ये 6nm based processor है, whereas 8 plus Gen 1 है वो 4nm processor है, which is more power efficient। अगर battery के बारे में बात करूं, तो 4700 mAh आती है Pro Plus में, and 4600 आती है इन प्रो। एंड चार्जिंग के बारे में भी बात करूं, तो 100 वॉट चार्जिंग इन प्रो प्लस एंड 80 वॉट इन प्रो। प्रो प्लस डेफिनेटली विल गो मच लॉन्गर बिकॉज इट इज अ 4nm प्रोसेसर, और याद रखिए 0-100% लेस देन 30 मिनट। वैसे बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक बता दूं, इन दोनों में ही दोस्तों बैटरी हेल्थ इंजन आता है, जो बेसिकली आपकी बैटरी की लाइफ प्रोटेक्ट करता है। वैसे ओप्पो तो कहता है कि 4 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, 1600 साइकिल्स रफली, यू शुड नॉट हैव एनी डिग्रेडेशन इन बैटरी। ऑलराइट, अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डिस्प्ले जबरदस्त है, डिजाइन अच्छा है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, तो 3D कर्व डिस्प्ले आता है 6.74 इंच का, एंड 1.5K रेजोल्यूशन है। यस, 1.5K आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है दोस्तों, नाइदर FHD प्लस नाइदर 2K बीच में होता है। एंड यस, इट इज अ AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। ओवरऑल ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, तो 1400 nits ब्राइटनेस है, विच इज एक्सीलेंट। और दोस्तों बेजल्स देखिए, साइड के बेजल्स तो नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि कर्व डिस्प्ले, 3D कर्व डिस्प्ले होने की वजह से साइड के बेजल्स दिखते ही नहीं है। ऊपर का बेजल और
और नीचे का चिन भी बहुत ही पतला है। बहुत ही कम फोन्स में दोस्तों 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है। दिस इज वन ऑफ देम। वैसे अभी मुझे बताया कि प्रोटेक्शन के बारे में बताया नहीं। जी हाँ, पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है और आगे की तरफ ड्रैगन टेल ग्लास स्टार 2 इसका प्रोटेक्शन आता है। ओवरऑल दोनों तरफ प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक। कमिंग बैक टू डिस्प्ले दोस्तों, ये जो एमोलेड है दैट्स इट डायनामिक। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो उस हिसाब से वो कम ज्यादा होगा, फ्रॉम 45 Hz टू 120 Hz। और अगर मैं नॉन प्लस मतलब प्रो के बारे में बात करूं, ओप्पो रेनो 10 प्रो के डिस्प्ले के बारे में, तो साइज सेम है, थोड़ा छोटा है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों एंड फुल HD रेजोल्यूशन आता है, फुल HD प्लस। 120 Hz रिफ्रेश रेट तो है ही एंड 950 निट्स ब्राइटनेस। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास दोस्तों। कैमरास सबसे बड़ा हाईलाइट है एंड अगेन मैं कहूंगा दोस्तों ओप्पो इस टाइम दे हैव गॉन ऑल आउट विद इट। अगर मैं प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं तो 50 MP का सोनी का IMX890 सेंसर आता है। मैं सबके फोटोज वीडियो दिखाने वाला हूं, फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं, बट द बिग डिफरेंस इस टाइम पेरिस्कोप आ गया है, वो भी 64 MP का पेरिस्कोप जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। और हां 120x डिजिटल जूम है, डेफिनेटली अ फर्स्ट फॉर रेनो सीरीज दोस्तों। आई मीन यू हैव नेवर सीन इवन 50x वगैरह तो इसमें आया हुआ है, सो दैट इज अ गुड थिंग। और अगर तीसरे सेंसर के बारे में बात करूं तो 8 MP का अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है। सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं 32 MP का सेल्फी सेंसर आता है। और हां सेल्फी सेंसर भी जो है वो सोनी का ही IMX709 है, RGBW ये सेंसर आता है। ब्यूटीफुल, कल से हम इधर फोटोज निकाल रहे हैं दोस्तों, सेल्फीज निकाल रहे हैं और बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए अलग अलग कंडीशंस में, इवन नाइट वेरी लो लाइट कंडीशंस में बहुत सारे फोटो निकाले हुए। सभी फोटोज मैंने जी ड्राइव पे सेव किए हुए हैं और उसकी जी ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। इवन इफ यू आर नॉट इंटेंडिंग टू बाय, गो एंड चेक आउट दिस फोटोज, सम ऑफ देम आर स्टनिंग। एक चीज लेकिन मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कैमरा के मामले में, इसमें डेडिकेटेड मेरी सिलिकॉन चिप आती है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा होता है और अच्छा होता है और फास्ट भी होता है। सो दैट वी हैव डेफिनेटली नोटिस, जब आप फोटो निकाल रहे हो तो आपको लगता है अरे इतना अच्छा नहीं आया, बट सडनली आफ्टर अ सेकंड और टू चेंज हो जाता है। सो बहुत प्रोसेसिंग भी होता है इसमें। वैसे कैमरा के मामले में इनिशियल इंप्रेशंस में बात करूं तो टू थिंग्स स्टैंड आउट, एक तो डायनामिक रेंज, ओ हो क्या जबरदस्त है, एंड लो लाइट परफॉर्मेंस। आई मीन क्लीन फोटोज आते हैं, लिटरली डार्क, वेरी डार्क बैकग्राउंड भी होगा तो जनरली दोस्तों आपको बहुत सारे यू नो ग्रेन्स वगैरह दिखेंगे, वो बिल्कुल नहीं दिखते इसमें। प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है एंड नाइट फोटोज कम आउट रियली गुड, कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, सो आई एम सरप्राइज विद दैट। डिटेल्ड कैमरा रिव्यू तो नहीं कहूंगा बट माई फर्स्ट इंप्रेशन आर डेफिनेटली ग्रेट। हाँ वैसे अगर 10 प्रो के बारे में बात करूं तो उसमें भी दोस्तों आपको 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। चलिए वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, रेयर में आपको 4K 60fps मिलता है, सो दैट इज गुड। आगे आपको 1080p ही मिलता है, दोनों ही प्रो के बारे में बात कर रहा हूं, प्रो प्लस में भी। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, सेल्फी में ऑटो फोकस मिलता है, तो जब आप क्लिक कर रहे हो इमीडिएटली यू आर इन फोकस, सो दैट रियली इज नाइस। चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए। अगर प्रो प्लस के बारे में बात करूं तो इसका अंतुदु स्कोर ऑन पेपर कुछ 1.1-1.2 मिलियन आता है नए अंतुदु के ऊपर, अगर पुराना भी होगा फिर भी 1 मिलियन के ऊपर स्कोर आएगा। सो हाईएस्ट सेटिंग गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप मक्खन जैसा खेल पाओगे, कंसिस्टेंटली आपको 60fps वगैरह गेम प्ले मिलेगा, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। इंटरेस्टिंगली अगर मैं थर्मल्स के बारे में बात करूं तो बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर आता है ओप्पो रेनो 10 सीरीज में, बिकॉज ऑफ दैट जो थर्मल्स है दे आर इन मच कंट्रोल, मतलब ज्यादा गर्म आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा लॉन्ग सेशंस भी आपने किए तो। दोस्तों ओएस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। 5G है दोस्तों दोनों में ही एंड सभी बैंड्स का सपोर्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ड्यूल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, यस एंड आयर ब्लास्टर भी है, तो कनेक्टिविटी के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड डिस्प्ले के बारे में तो बताया, स्पेशली प्रो प्लस दोस्तों दैट 1.5K रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले जो है, HDR का सपोर्ट है। हां नेटफ्लिक्स में नहीं दिखेगा बट यूट्यूब पे आप देख पाओगे, स्टनिंग मल्टीमीडिया डिवाइस, कर्व्ड डिस्प्ले है, इमर्सिव डिस्प्ले है, मजा आता है। ऑलराइट लेट्स टॉक अबाउट ओएस। एक तो बता दूं दोस्तों कि ये कलर ओएस 13 पे आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। सिक्योरिटी अपडेट जो है दैट इज गुड, फर्स्ट टाइम 4 years मेजर अपडेट एंड 5 years सिक्योरिटी अपडेट, सो यू नो दैट इज देयर। लेकिन एक बात कहूं, जब हम सेटअप कर रहे थे दोस्तों वो जो बहुत सारी चीजें रिकमेंडेशंस हैं वो नहीं आए थे, एक ही बार हमें ऐप स्टोर का आया था कि भाई आपको ऐप स्टोर इंस्टॉल करना है, नहीं आपने अनचेक कर दिया तो इंस्टॉल नहीं होता है। बट हाँ इंटेलिजेंट सर्च सर्विसेज जो है, जी हाँ ये बाय डिफॉल्ट ऑन आता है। हमने ओप्पो के लोगों से बात की भाई ये ऑन क्यों है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी अपडेट
अपडेट आने वाला है, क्या होने वाला है ये नहीं बताया, बट अपडेट उसके ऊपर आने वाला है बहुत जल्दी, सो लेट्स वेट फॉर इट मैं कहूंगा। और हाँ ये भी बता दूं कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स, ये सब जो थर्ड पार्टी प्री इंस्टॉल्ड एप्स है वो आते हैं, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे बट दे आर देयर। एक अच्छी चीज भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली अगर आप स्विगी जोमेटो से बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हो तो, जी हाँ, स्मार्ट एओडी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसके ऊपर आपका स्टेटस आ जाता है, आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है, फोन सिर्फ रख दिया, यू विल इमीडिएटली कम टू नो द स्टेटस। तो वो स्मार्ट एओडी फीचर्स है। और मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, तो बेसिकली मल्टी स्क्रीन, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मल्टीपल स्क्रीन आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे। ऑलराइट, अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यू विद इन लिमिट है, आईपी सर्टिफिकेशन नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, एफएम रेडियो नहीं है, सो या आई मीन दीज आर द थिंग्स। वैसे दोस्तों यू नो जो लीगेसी है रेनो सीरीज की वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डेफिनेटली स्टैंड आउट जो है वो है इसका कैमरा एंड डिजाइन, एंड आई विल ऐड टू इट डिस्प्ले भी, स्पेशली प्रो प्लस में जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज रियली स्टनिंग। अनदर बिग फैक्टर जो है कैमरा में मैं अगर बात करूं तो पेरिस्कोप आ गया है इस टाइम, विच इज अ रियली बिग थिंग जो अभी तक हमने रेनो सीरीज में नहीं देखी है। अब दोस्तों हमें यह भी देखना है, जैसे मैंने कहा ओएस के जो अपडेट्स आएंगे तो क्या होने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेनो 10 सीरीज में इतना शायद बिग अपग्रेड हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो पिछले जनरेशन का रेनो 9 सीरीज थी वो इंडिया में आई नहीं थी, सो आई थिंक दे हैव स्किप्ड दैट वन स्टेप एंड गॉन बिग दिस टाइम विद रेनो 10 सीरीज। वैसे दोस्तों कैसे लगा ये अनबॉक्सिंग, बहुत एफर्ट जाती है ऐसे आउटडोर्स में आके आपके लिए अनबॉक्सिंग करके ये सब दिखाना। जी हाँ, कैसे लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो ओप्पो रेनो सीरीज में इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।